everyone, I, Adini Harika Singh, one of the faculty members of Ellen Junior Wing, I will be taking your classes for the examination NTSE, that is National Talent Search Examination. The very first chapter I'm going to begin with you is the fundamental unit of life. So let's begin. Robert Hooke coined the word cell in 1665. ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या कॉइन किया, एक वर्ड कॉइन किया सेल 1665 में. वो एक चांस ऑब्जर्वेशन, मतलब उनका मोटिव वो नहीं था, लेकिन ऑब्जर्वेशन दूसरी हो गई. ठीक है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन हुई किस में, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में, जो उन्होंने किससे देखा, अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से. दिस ऑब्जर्वेशन हैज इट्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन हुई थी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है साइंस की हिस्ट्री में. थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन वी फाउंड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स. इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लगता है बच्चे, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या है, कुछ सेपरेट यूनिट्स है, एंड वी कॉल देम सेल्स. हम उनको क्या बोलते हैं, सेल्स. अगर बहुत सारी यूनिट्स है तो वी विल कॉल देम सेल्स, एंड अगर अलग अलग है तो वी विल कॉल cell. The word cell is derived from the Latin word cella, which means small room. ठीक है, ये जो word है cell, ये एक Latin word से derive किया गया है, जिसका मतलब है बच्चा small room, छोटे room. ठीक है, आगे आते हैं activity पे. आई एम फॉलोइंग दी एनसीईआरटी बुक, जो जो उसमें है आई बी टीचिंग एवरीथिंग. उसके बाद हम कुछ एडिशन इसमें करेंगे, राइट. नाउ एक्टिविटी सेज टू प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील. हमें अनियन पील का क्या बनाना है बच्चे, एक टेम्पररी माउंट प्रिपेयर करना है. अभी टेम्पररी माउंट होता क्या है, सो बिफोर वी प्रिपेयर द टेम्पररी माउंट, और हम जानेंगे टेम्पररी माउंट बनेगा कैसे, हमें पता होना चाहिए ये टेम्पररी माउंट क्या है. वेट माउंट और टेम्पररी माउंट बोथ आर द सेम थिंग, because we use water in this. It is a technique used to study the movement and behavior of living organisms. ये क्या है बच्चे, ये टेक्निक है जो कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट के लिए या उनका बिहेवियर देखने के लिए हम बनाते हैं. इट्स अ टेक्निक. अब माउंट का मतलब क्या है, माउंट मीन्स प्लेसिंग द स्पेसिमन और सैंपल. ठीक है, हम जिसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिसको हम स्लाइड के ऊपर रखते हैं, दैट इज द स्पेसिमन, और उसको हम सैंपल भी कहते हैं. जैसे चीक सेल्स हो गया, हम अपने चीक सेल्स ले सकते हैं ऑब्जर्व करने के लिए. तो जब भी हम कोई भी स्पेसिमन को ग्लास स्लाइड में रखते हैं फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, वी कॉल इट अ माउंट. हम क्या कहते हैं उसको, माउंट. नाउ इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट भी है. अब आपको टेम्पररी माउंट बनाने आपको कुछ चीजें भी चाहिए होंगी, तो क्या क्या चाहिए हमें वो भी जान लेते हैं. देखो किसका माउंट बनाना है, अनियन का, तो सबसे पहले तो अनियन ही चाहिए. ठीक है, और ग्लास स्लाइड पे बनेगा, ग्लास स्लाइड, दिस इज सम कॉमन थिंग्स. सो हमें अनियन चाहिए, पेयर ऑफ फोर्सेप्स. उस अनियन में से उस स्किन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्सेप्स. वॉच ग्लास, जिसके अंदर हम उस स्पेसिमन को रख सके. वॉटर, इसलिए ताकि उस स्पेसिमन में हम वॉटर डाल सके ताकि वो ड्राई ना हो. ग्लास स्लाइड, ताकि हम उसको ट्रांसफर कर सकें ग्लास स्लाइड में. cover slip, so that we can cover that specimen with the cover slip. Safranin, जिससे कि अच्छे से जो cells है उसके अंदर वो हम देख सके. ये क्या करता है, cells को एक boundary दे देता है safranin, जिससे हम easily उसको observe कर सकते हैं. Thin paint brush, एक पतला सा paint brush लेना है, और mounting needle. So these are the things जो हमें इस वाली activity में ज़रूरत पड़ेगी, right? अब इसका प्रोसीजर देखते हैं, कैसा है इसका प्रोसीजर. टेक अ स्मॉल पीस ऑफ अनियन एंड पील ऑफ द स्किन और एपिडर्मिस फ्रॉम द इनर साइड विद द हेल्प ऑफ अ फोर्सेप्स. तो फोर्सेप्स की मदद से आप क्या करेंगे, प्याज के अंदर की स्किन को निकाल लेंगे. सबसे पहला स्टेप ये होने वाला है. पुट द पीस ऑफ एपिडर्मिस और थिन स्किन इन वॉच ग्लास. उस स्किन को आप किस में ट्रांसफर कर देंगे, वॉच ग्लास में. टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट.
ठीक है। अब आपको ग्लास स्लाइड लेनी है और उसमें क्या डालने हैं, कुछ बूंद पानी की, एंड ट्रांसफर द स्किन फ्रॉम द वॉच ग्लास टू ग्लास स्लाइड। और अब वो वॉच ग्लास से आपको स्पेसिमेन किस में ट्रांसफर कर देना है, ग्लास स्लाइड में। पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रन सॉल्यूशन ऑन टू द ग्लास स्लाइड एंड प्लेस कवर स्लिप ओवर दिस। अब क्या करना है, आपने उस वाली जो आपने स्पेसिमेन के ऊपर पानी डाला था, या सबसे पहले स्लाइड पे पानी डाला, फिर आपने स्पेसिमेन को वहां पे ट्रांसफर किया, देन यू विल एड दिस सेफ्रन सॉल्यूशन, ठीक है, एंड कवर इट विद द कवर स्लिप। सो दिस इज अ प्रोसीजर, ठीक है, कर लेंगे आप लोग, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। नाउ प्रिकॉशंस, इसको करने के लिए बच्चे कुछ प्रिकॉशंस भी बरतने हैं, जैसे कि आपकी जो स्लाइड है वो खराब ना हो, ठीक है। क्या है वो प्रिकॉशंस, डोंट लेट द एपिडर्मिस फ्रॉम गेटिंग ड्राई, उस स्किन को हमें ड्राई नहीं होने देना, बिल्कुल भी सूखने नहीं देना, नहीं तो हम सेल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। पील शुड बी परफेक्टली स्लाइड ऑन द ग्लास स्लाइड, इसीलिए हमने थिन पेंट ब्रश यूज किया, ठीक है। अब जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे स्लाइड में, तो वी विल यूज द थिन पेंट ब्रश टू ट्रांसफर द स्पेसिमेन ऑन टू द ग्लास स्लाइड। यूज थिन पेंट ब्रश टू ट्रांसफर द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, राइट। And the fourth one, use mounting needle if air bubbles are found while putting the cover slip. So, अगर cover slip रखने के बाद आपको उसमें air bubbles दिखाई देते हैं, तो you can use the mounting needle to remove those air bubbles, ठीक है। अब result क्या है, क्या बनाना था, temporary mount, तो बन गया temporary mount, the result will be the temporary mount is ready. Temporary mount is ready to observe under the compound microscope. So, compound microscope क्या होता है, मैं यहीं पे बता देती हूँ। When beam of light is used to illuminate the object, we call it a compound microscope. So, beam of light is used in compound microscope में beam of light use की जाती है, right? There's a note. So, हमने temporary mount अभी किसका बनाया, onion peel का, किसका बना सकते हैं, देयर मेनी सेल्स, है ना, देयर मेनी टिश्यूज, तो उनके भी हम क्या बना सकते हैं, टेम्पररी माउंट। जैसे कि वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर टेम्पररी माउंट्स ऑफ लीफ पील्स, हम लीफ की पील्स का भी बना सकते हैं, टिप ऑफ रूट्स ऑफ अनियन, ठीक है, अनियन के ऊपर जो रूट्स होती है ना बच्चा, हम उसका भी क्या बना सकते हैं, टेम्पररी माउंट, और इवन पील्स ऑफ अनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। और जैसे हमने माना एक साइज की पील ली थी अभी, ठीक है, मतलब एक साइज की अनियन ली, उसका बना लिया, तो हम अलग अलग साइज की अनियन ले सकते हैं और उनकी भी पील से हम ये ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ऑब्जर्व क्या करोगे आप इसमें, हमने ये ऑब्जर्वेशन, ये एक्टिविटी क्यों की, सेल्स देखने के लिए, तो हमें इसमें सेल्स दिखाई देने चाहिए। In your observation, under the microscope, you will see the structure resembling to honeycomb, consisting of many little compartments. ठीक है? जब आप इस specimen को observe करोगे slide को microscope के अंदर, तो आप क्या देखोगे? Structure जो कि किससे resemble करते हो? Honeycomb से. ऐसा दिखता है honeycomb. ठीक है? These little compartments are nothing but cells. तो उन्होंने किससे किया, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है जिसमें वो अपना शहद रखते हैं, इस तरह से हेक्सागोनल शेप में होता है वो, ठीक है, उससे उन्होंने उन सेल्स को कंपेयर किया जो उनको किसमें दिखे थे, अनियन पील में। दीज लिटिल कंपार्टमेंट्स आर नथिंग बट सेल्स, ये क्या है कंपार्टमेंट जो उन्होंने देखे, वो क्या थे, सेल्स ही थे और कुछ नहीं। दीज सेल्स आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इन्हीं सेल्स पे हमारी लाइफ क्या है बच्चे, डिपेंडेंट है, इन्हीं सेल से हमारी लाइफ इवॉल्व हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन, अनियन का साइज कुछ भी हो, उसके साइज पे ध्यान ही देना है, सेल्स ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम। सो अनियन पील के जितने भी सेल्स होंगे, दे विल ऑल लुक द सेम, वो सारे ही सेम लगेंगे। नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स, सिर्फ अनियन के ही नहीं, पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अराउंड, वी आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, किसके बने हुए हैं, वी आर मेड अप ऑफ सेल्स।
There are also living organisms which are made up of only one single cell and known as unicellular organisms. तो कुछ ऐसे भी organisms हैं जो सिर्फ एक ही cell के बने हैं, ठीक है, एक ही सेल उनकी पूरी पूरी बॉडी को संभाले हुए हैं. हम वी आर मल्टी सेल्यूलर, हमारे मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स है, ठीक है. लेकिन अगर हमारी बॉडी से एक सेल हम बाहर निकाल लें और सोचो कि वही सेल पूरा फंक्शन कर रहा है, खाना भी खा रहा है, ठीक है, और डाइजेशन भी हो रहा है, एक्सक्रिएशन भी हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है? एक सेल. पर वो क्या है? एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है माइक्रो. सो मल्टी सेल्यूलर क्या होता है? Many cells, made up of many cells will be there, and unicellular, जिसमें सिर्फ एक ही cell होगा, only one cell. ठीक है बच्चे, आगे बढ़े. I hope यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. और अभी हमने जितना पढ़ा है हम उसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसी में उनके आंसर्स भी छुपे हुए हैं, राइट. सो अगर आपको इसका आंसर समझ में आता है तो पॉज करो और वहीं पे कमेंट में आप जाके टाइप भी कर सकते हो कि क्वेश्चन वन का आंसर ये है, क्वेश्चन टू का ये है, ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेज, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज? क्या सारे ही सेल्स बच्चा एक जैसे लगते हैं शेप और साइज में अगर देखे तो? इज इट पॉसिबल? अगर मेरा हार्ट है वो अलग फंक्शन कर रहा है ना, वो ब्लड को पंप कर रहा है, और मेरी किडनी है वो क्या कर रही है? वो और दूसरे काम कर रही है. क्या उनके सेल्स एक जैसे हो सकते हैं? नहीं, ठीक है. सो आंसर विल बी नो, बिकॉज एवरी ऑर्गन हैज डिफरेंट फंक्शन. तो उनके सेल्स भी शेप और स्ट्रक्चर में और साइज में अलग दिखेंगे. डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर? नो. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, इसी आंसर में बताया कि जब उनके फंक्शन ही अलग है बेटे, तो उनके स्ट्रक्चर भी कैसे सेम हो सकते हैं. इसके बारे में हम एक स्लाइड में आगे देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि स्ट्रक्चर कैसे कैसे अलग होते हैं सेल्स के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी? क्या अगर आप प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को ले लो और उनके पार्ट्स को ऑब्जर्व करो, तो क्या आप देख पाओगे कि अलग अलग सेल्स हैं, साइज भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है ना? ऐसा ही होगा. यस. तो अगर आप डिफरेंट पार्ट्स लोगे तो सेल विल बी डिफरेंट, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, द टाइप ऑफ यू नो बॉडी साइज एंड शेप विल बी डिफरेंट, राइट. सो यस, द आंसर विल बी नो हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What similarities could we find in all cells? अब हर सेल के अंदर हम क्या सिमिलैरिटी बच्चे ढूंढ सकते हैं, क्या हो सकते हैं हर एक सेल के अंदर सिमिलैरिटीज? इसका आंसर ऊपर नहीं है, बट आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर ही ओनली, और उसी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. कोई भी सेल हो, चाहे वो हमारा हो, चाहे वो किसी डॉग का हो, चाहे कैट का हो, चाहे वो एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, हर उस सेल में क्या पाया जाएगा? Let's say this is the cell. You will find the cell membrane. ठीक है? We also call it plasma membrane. ठीक है? हर सेल में ये चीजें कॉमन होने वाली हैं. वो तीन हैं. तो पहला सेल मेम्ब्रेन होगी हर सेल के अंदर, एक ऐसा जिसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाए, एक ऐसा प्रोमिनेंट पार्ट होगा सेल के अंदर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. ठीक है? क्या कहते हैं? न्यूक्लियस. उसको आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि दूसरे और ऑर्गेनल से इजीली आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंड कॉल इट सेल. एंड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जिसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो तैर रहे होते हैं ना, दिस स्विम इन टू द साइटोप्लाज्म, दिस इज द साइटोप्लाज्म. सो दीज आर द कॉमन थिंग्स विच आर विच विल बी देयर इन ऑल सेल्स. कौन कौन सी बच्चे मेरे साथ बोलोगे? फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. सेकेंड वन इज, यस यस,
न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चे, अब इन्हीं के बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे चलते हैं बेटे। अब कुछ उन साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं जो इस सेल की स्टडी को और आगे ले गए ना, और सेल के बारे में उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने स्टडी की कि सेल है क्या, इसके और अंदर क्या है। ठीक है, तब तक चीज़ें इतनी मॉडर्न नहीं थी जब रॉबर्ट हुक थे, और जब जैसे जैसे टाइम बदलता गया, मॉडर्न एरा आया, तो चीज़ें भी कैसी हो गई, मॉडर्न, माइक्रोस्कोप भी ज़्यादा एडवांस्ड आ गए, राइट। सो साइंटिस्ट हु गेव देयर कंट्रीब्यूशन इन दिस स्टडी ऑफ सेल आफ्टर रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक के बाद जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, किसकी स्टडी में, सेल की स्टडी में, वो कौन से हैं? लेवन हुक, द फर्स्ट वन इज लेवन हुक। लेवन हुक यूज द वर्ड माइक्रोस्कोप ऑफ दैट टाइम एंड डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। सो लेवन हुक ने क्या किया, उन्होंने पॉन्ड का वाटर ऑब्जर्व किया स्लाइड के अंदर, और उन्होंने क्या डिस्कवर किए कि इसके अंदर तो फ्री लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, ऐसे सेल्स हैं जो अपने आप ही अपनी बॉडी को पूरा, फॉर एग्जाम्पल वी कॉल देम फ्री लिविंग सेल्स। का मतलब क्या है कि ऐसे सेल्स जो कि यूनिसेल्युलर हैं एंड फ्री हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने उस समय ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख लिए थे जो कि यूनिसेल्युलर थे, बिकॉज वो एक सेल फ्री था एंड इट वॉज रनिंग इन टू द पॉन्ड वाटर। नाउ रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा ना कि एक ऐसा प्रोमिनेंट पार्ट है जो कि सेल के अंदर है, जो कि न्यूक्लियस है, इसको किसने डिस्कवर किया था बच्चे, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। फिर आए पुकिंजी, रॉबर्ट ब्राउन के बाद पुकिंजी आए, ही गेव द नेम प्रोटोप्लाज्म टू द फ्लूइड फाउंड इन द सेल। अब हमने इस प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी बात की थी, इस प्रोटोप्लाज्म को किसने ढूंढा, पुकिंजी ने, ठीक है, और इसको रॉबर्ट ब्राउन या ब्राउन। नाउ इसके बाद आए शील्डन एंड श्वान, ठीक है, सबसे पहले लेवन हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एवागलिस्ता, पुगिंजी, नेक्स्ट आए शील्डन एंड श्वान। तो शील्डन एंड श्वान आए, उन्होंने क्या दी, फेमस सेल थ्योरी, उन्होंने क्या दिया आपको, फेमस सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय दीज टू साइंटिस्ट। ये सेल थ्योरी क्या कहती है, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं ना बच्चे, वो किसके बने हैं, सेल्स के बने हैं, ठीक है। शील्डन एंड स्वान आए और उन्होंने एक सेल थ्योरी दी जिसमें उन्होंने कहा इस सेल थ्योरी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, वो किसके बने हैं बेटे, सेल्स के बने हैं। सो इट इज अ वेरी फेमस सेल थ्योरी। इसके बाद हम पढ़ते हैं शील्डन एंड स्वान के बाद वर्च्यू आए, ठीक है। वर्च्यू थ्योरी सजेस्ट दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। इन्होंने भी एक थ्योरी बताई, इन्होंने कहा कि जितने भी सेल्स हैं ना, अपने पिछले वाले सेल्स ही डेवलप होकर आए हैं, वो कोई ऐसे नहीं कि बॉडी में नए बन गए हैं, जो हमारे पहले ही सेल थे उन्हीं से हमारे नए सेल्स भी डेवलप हुए हैं। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, और अगर कोई भी डाउट है बच्चे, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी क्वेरी आप क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अब हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी मैं आपको दूंगी। अभी मैंने आपको बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, जिसमें बीम ऑफ लाइट यूज की जाती है। एंड व्हेन वी यूज द टर्म इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सो वी वुड से द इलेक्ट्रॉन्स आर यूज, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1940, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया, 1940 के अंदर। थ्रू दीज माइक्रोस्कोप्स इट बिकेम पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स। सो जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो जो इतने अनडिफाइंड ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, वो इजी हो गए किसकी मदद से देखने के लिए,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने बहुत इजी कर दिया कि इनको कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या पार्ट क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी शेप क्या है, इसका साइज क्या है, वो किसकी हेल्प से हो पाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से। द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड विच वी स्टडी टूडे इज मेड पॉसिबल थ्रू दीज माइक्रोस्कोप्स। सो आज जितनी भी हम स्टडी करते हैं ना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करते हैं, तो ये किसकी मदद से हो पाया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से। नाउ सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेल्यूलर, दीज थ्री आर द वर्ड्स विच वी कैन यूज इंटरचेंजेबली, ठीक है, हम इंटरचेंजेबल इनको यूज कर सकते हैं। सिंगल सेल मतलब जो एक सेल से बना हो, यूनिसेल्यूलर, यूनि का मतलब ही एक होता है, माइक्रोस्कोपिक जिसको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, अगर आपके सामने हो यू वोंट बी एबल टू सी इट। तो हम मेरे अराउंड भी कितने सारे यू नो बैक्टीरिया हैं, यू नो कितने सारे जर्म्स हैं, क्या मैं देख सकती हूँ, नहीं। तो वो किसके अंदर आते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से, एंड वी कॉल इट माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। सो सिंगल सेल, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्यूलर, दिस थ्री आर दी वन थिंग। एंड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल दैट कैरीज आउट ऑल फंक्शंस नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बच्चे क्या होता है, एक ही सेल, ओनली वन सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन, ठीक है। बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कितने फंक्शन होते हैं, हम सबसे पहले रेस्पिरेशन है, ठीक है, हम खाना खाते हैं, ठीक है, डाइजेशन है, एक्सक्रिएशन है, दस मेनी थिंग्स इन आवर बॉडी विच इज हैपनिंग। लेकिन इसकी बॉडी को भी तो चीज़ें चाहिए, तो इसकी बॉडी में वो सारी फंक्शन कौन कर रहा है, सिर्फ वो एक ही सेल, और हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स आते हैं। सो यूनिसेल्यूलर क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल That carries out all the functions needed by the organisms. उस organisms को जो भी function चाहिए वो कौन करेगा, वही एक cell, ठीक है। Example क्या है ऐसे organism की कि उसका जो एक cell है वो पूरी पूरी function कर रहा है, तो इसके कुछ examples हैं, amoeba, ठीक है। Amoeba एक क्या है, microscopic organism, single celled organism, and we can call it unicellular organism. क्लेमिडोमनस, ठीक है, अमीबा, क्लेमिडोमनस, पैरामीसियम, पैरामीसियम एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। सो दीज आर द फोर एग्जांपल्स विच आर हियर। ये क्या है, हमारे सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। नाउ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ठीक है, जो एक सेल से ज्यादा बने हो वी कॉल इट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले एग्जाम्पल अपना ही दे दो, है ना, ठीक है, हम ही आ जाते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में, एंड फंजाई। ओके बच्चे, आगे बढ़ेंगे आप, आगे बढ़ते हैं बच्चे, वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कुछ अलग अलग सेल्स उठाए हैं एंड हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बॉडी के अलग अलग सेल्स। तो दिस इज द मसल सेल, मसल सेल कहाँ पाया जाता है, बोन्स के पास, ठीक है, जहाँ पे बोन्स होती है, बोन्स हमारी बोन्स से कवर, ये मसल किसको कवर करती है, बोन्स को, तो वहां पे क्या मिलते हैं हमारे, मसल सेल। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटे, इस तरीके का, मसल सेल विल बी लाइक दिस। नाउ दीज आर द ब्लड सेल्स, ये बहुत ही सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं, बस इस तरीके से। नर्व सेल है ना, टिपिकल, देखने में ही कितना टिपिकल है, दिस इज द नर्व सेल, इसके डेंड्राइट्स हैं, आगे जब पढ़ेंगे नर्व सेल्स के बारे में तो मैं और डिटेल्स दूंगी। स्पर्म सेल, अभी हमने यहाँ पे इनके साइज और इनकी शेप से डिफ्रेंशिएट करना है, बस इतना ही पढ़ना है कि कैसे अलग अलग सेल्स की अलग अलग शेप है और अलग अलग साइज है, ठीक है बच्चे। दिस इज अ स्पर्म सेल, ठीक है, जो मेल से आता है। स्किन सेल, ये हमारी स्किन का सेल है बेटे, ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि सारे कितने ही कोई एक दूसरे से ऐसा लग रहा है कि कोई इसी का ये इसका भाई है ये इसकी बहन है, नहीं बिल्कुल शक्ल दूर दूर से नहीं मिल रही है, कोई छोटा है कोई मोटा है ना, कोई पतला है, बिल्कुल अलग है। तो यही हमें बताना था कि अलग अलग सेल्स अलग अलग शेप और साइज के हो सकते हैं। नाउ शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वेरीज ड्यू टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। अब ये शेप और साइज क्यों है अलग, है ना, कुछ तो रीजन होगा ना। जब हमारी बॉडी बनी है, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन का एक अलग फंक्शन है, हर एक बॉडी पार्ट एक अलग फंक्शन करता है। तो अगर ये सेल पे डिफरेंट है तो उनके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है? द शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वेरीज ड्यू टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ओके बच्चे, तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए क्या है इनके सेल्स के साइज भी अलग अलग हैं। देयर सर्टेन क्वेश्चंस, हाँ ओके। नाउ अमीबा, अमीबा के बारे में बात कर लेते हैं। अमीबा क्या है? अमीबा की जो शेप है ना बच्चे, वो कैसी है? इट्स अ चेंजिंग शेप। अमीबा कैन चेंज इट शेप, ठीक है, कभी मोटा हो जाएगा कभी पतला हो जाएगा। तो अमीबा इस तरीके की है, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। प्लांट सेल्स, जो प्लांट के सेल्स होते हैं, जैसे अभी हमने किसके सेल ऑब्जर्व किए थे इसी वाली वीडियो के स्टार्टिंग में, हमने पील अनियन पील के सेल्स ऑब्जर्व किए थे। तो वो जो सेल्स है ना बच्चे, वो फिक्स सेल्स है। नाउ नर्व सेल्स, अभी हम पढ़कर आए थे, नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर देखा था ना, बहुत ही टिपिकल सा था, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ये बहुत ही टिपिकल शेप के होते हैं। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पढ़ोगे और उनको आप बता सकते हो किसकी फिक्स शेप है, किसकी चेंजिंग शेप है और किसकी टिपिकल शेप है, राइट? आगे बढ़ते हैं बेटे, हमने शेप्स पढ़ ली है ना, इनके साइजेस पढ़ लिए, इनके बारे में समझ लिया क्यों ये अलग है, क्योंकि इनके फंक्शन अलग है इसलिए इनके शेप और साइज भी अलग है। नाउ डिविजन ऑफ लेबर इन अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब शरीर के अंदर हर चीज़ को अपना अपना काम कर रहे हैं ना, जैसे घर में काम बटे हुए होते हैं, है ना, पापा ने ऑफिस जाना है, मम्मी ने खाना बनाना है, मम्मी तो बेचारी ऑफिस भी जाती है खाना भी बनाती है, तो सबके काम घर में बटे हुए हैं। बच्चों के कुछ जो छोटे मोटे काम वो कर सकते हैं वो उनको दे दिए जाते हैं। ऐसे ही बॉडी में भी जो हमारा डिविजन ऑफ लेबर हो रखा है कि काम का बंटवारा हो, कि तू ये काम करेगा तू ये काम करेगा, ठीक है, इस तरह से तेरा काम ये है मेरा काम ये है। नाउ डिविजन ऑफ लेबर मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो डिविजन का मतलब क्या है, डिविजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, कि जो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द ह्यूमन बॉडी, किसी भी बॉडी की हम बात करें तो उसके अलग अलग पार्ट्स उसके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, दिस इज वाई हमने यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल्स क्या है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या हो रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, स्टमक क्या कर रहा है, खाना जाता है स्टमक के अंदर, हम खाते हैं कहाँ पहुँचता है, स्टमक के अंदर, क्या करता है वहां से डाइजेस्ट करता है। किडनी क्या करती है, इट रिमूव्स वेस्ट एंड टॉक्सिन्स एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम विच इज कैरीड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट है, ठीक है, जितना भी गंदगी है वो कौन निकालती है, किडनी। वेस्ट हो गए जितने भी जो हमारी बॉडी के लिए चीज़ें ज़रूरत में नहीं है, तो वो किडनी के द्वारा रिमूव हो जाएंगे। जहरीले पदार्थ भी पैदा हो जाते हैं बॉडी के अंदर, है ना, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, और अगर वो डेवलप होते रहे तो ये टॉक्सिन्स जो है वो हमारी बॉडी के थ्रू कैसे कैसे रिमूव होते रहते हैं, किडनी के थ्रू। एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, ये जो यूरिन है दैट इज द एक्सेस वाटर, जितना पानी चाहिए होता है बॉडी में यूज हो जाता है, जो जरूरत में नहीं है वो बॉडी में यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। नाउ लंग्स, लंग्स क्या करते हैं बच्चे, द लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउ अस टू ब्रीद। तो ये लंग्स क्या करते हैं, और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा, ये श्वसन जो हमारी पूरी श्वसन क्रिया है, वो क्या करती है, हमें सांस लेने के लिए हेल्प करती है, इट अलाउज अस टू ब्रीद।
दे ब्रिंग ऑक्सीजन इन टू आवर बॉडीज, ठीक है, ये बाहर से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले आती है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करवाती है. जब हम इसको अंदर लेते हैं वी कॉल इट इनहेलेशन, एंड जब हम इसको बाहर ले जाते हैं वी कॉल इट एक्सहेलेशन, ठीक है, और वी ऑल्सो कॉल इट एक्सपिरेशन. ठीक है बच्चा, आई होप इन दोनों वर्ड्स में कन्फ्यूज नहीं होना है. एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन बोथ आर द सेम थिंग, और इनहेलेशन जब आप उसको ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटे. अब ये तो हमने बात की थी डिविजन ऑफ लेबर इन अ इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में कैसा हो रखा है. अब सिंगल सेल की बात करते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो डिविजन ऑफ लेबर है वो कैसा है. नाउ डिविजन ऑफ लेबर इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस विद इन द सेल ओनली. अभी आपको इस वीडियो में भी इससे पहले बता चुकी हूँ मैं कि ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है इसके सारे फंक्शन ये एक ही सेल बेचारा कर रहा है, ठीक है, इसी की आफत आई हुई है. ईच सेल कंटेन्स स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनल्स. सो इस सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वी कॉल देम सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है. अभी हम पढ़कर आए हैं दिस इज न्यूक्लियस, दिस साइटोप्लाज्म, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है. साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें तैर रही होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल. तो ये भी न्यूक्लियस भी इज अ सेल ऑर्गेनल, ठीक है, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है. और भी बहुत सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, राइबोसोम्स, ये सारे क्या है, ये सेल के कंपोनेंट है. ओके बेटे, ईच सेल ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेशल फंक्शन. तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनल है ना सेल के अंदर, इनका एक अलग फंक्शन है, ठीक है. ये सिर्फ बेकार में नहीं है कि इस साइटोप्लाज्म में ये तैर रहे, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है. माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चे, बाहर से ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेता है और एरोबिक रेस्पिरेशन को होने देता है, ठीक है. कौन, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एरोबिक, जहां पे वी नीड द ऑक्सीजन, वी एक्चुअली रिक्वायर ऑक्सीजन इन द एरोबिक रेस्पिरेशन. राइबोसोम्स परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम क्या करते हैं बच्चे, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. कहाँ से बनते हैं राइबोसोम्स, विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस किससे होता है बच्चे, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स. नाउ लाइसोसोम्स परफॉर्म डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द सेल. अब हमारी बॉडी में डाइजेशन किससे हो रहा था, कौन कर रहा था, स्टमक है ना, और इनकी बॉडी में कौन कर रहा है डाइजेशन, लाइसोसोम. तो अभी हम कुछ कंपेयर भी करेंगे किसकी बॉडी में कौन क्या कर रहे हैं. सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट. हमारी बॉडी में कौन रिमूव कर रहा था वेस्ट को, किडनी. यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कह रही भाई वेस्ट है तो बाहर निकल, तो सेल उनके पास तो वो नहीं है ना, किडनी नहीं, तो वो सेल मेम्ब्रेन वहां पे किडनी का काम कर रही है और बॉडी से सारे वेस्ट मटेरियल को निकाल रही है, ठीक है. आई होप ये क्लियर होगा कि जो सेल का जो लेबर है इसमें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिविजन ऑफ लेबर है, ये कैसे हुआ है. एक बार और मैं आपको समझाती देती हूँ थोड़ा सा. तो इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है, जो कंपोनेंट्स है, वी कॉल इट सेल ऑर्गेनल्स. ईच सेल ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेशल फंक्शन. हर एक सेल ऑर्गेनल अपना एक अलग से फंक्शन करता है. माइटोकॉन्ड्रिया ब्रीदिंग का, जैसे हमारे अंदर कौन था, हमारे अंदर कौन करता है, सोचो और कमेंट में बताना, मैंने बताया इस वीडियो में. राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस. और सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन द वेस्ट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं. एक नोट है, सेल ऑर्गेनल टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल. तो ये जो सेल ऑर्गेनल टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल. सेल के अंदर क्या है, कंपोनेंट्स, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं. अब इन सबको जब मिला देते हैं तो हम क्या क्या बनता है, हमारे पास एक सेल बनकर आता है. ऑल सेल पजेस द सेम ऑर्गेनल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फंक्शन एंड द ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन. सारे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है. ऑलमोस्ट ये तीन तो कॉमन ही होंगे, मैंने बताया था आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये तो हर सेल के अंदर है, ठीक है. चाहे उनका फंक्शन कुछ भी हो, चाहे उनका काम कुछ भी हो, ये चीजें हर सेल में कॉमन है.
तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कॉमन फीचर्स फाउंड इन ऑल सेल्स, सो यू कैन राइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म. ठीक है बच्चा, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. सो आई होप यू कैन डू इट. अगर वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओगे, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, किसने किया था सेल को डिस्कवर्ड? रॉबर्ट हुक. कैसे किया था? चांस ऑब्जर्वेशन थी, तुक्का लग गया है ना. थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ही वॉज ऑब्जर्विंग थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कुछ और देखने चले थे और मिल क्या गया? सेल. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? वो ये सारी बॉडी के फंक्शन भी यही कर रहा है. सेल के स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है? यही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी तो बना रहा है. सेल से ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, सारी बॉडी के काम भी यही कर रहा है, तो इसलिए वी कॉल इट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, आई होप यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा. फिर भी कोई भी डाउट रह जाए बेहिचक कमेंट सेक्शन में आराम से पूछे. आई विल गेट बैक टू ईच वन ऑफ यू. नाउ एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर. हम एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जैसे जैसे दिया हुआ मैं वैसे वैसे ही आपको अपने नोट्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ. ठीक है, एनिमल सेल और अ प्लांट सेल, अगर हम किसी भी एनिमल सेल को या किसी भी प्लांट सेल को किस में रखते हैं? इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर. अगर हम चीनी का या नमक का एक सॉल्यूशन बनाए पानी में, उस सॉल्यूशन में अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को रखते हैं तो क्या क्या हो सकता है, हम उस बारे में पढ़ेंगे. सिचुएशन वन, सिचुएशन वन में क्या होगा? इफ द सेल इज सराउंडेड बाय द मीडियम विच हैज द हायर कंसंट्रेशन देन द सेल, व्हिच मींस दिस द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट इन कंपैरिजन टू द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल. ये कह रहा है ये सेल है मानो, ठीक है, और उसको उसी मीडियम में रखा, चाहे शुगर सॉल्यूशन हो चाहे सॉल्ट सॉल्यूशन हो, कोई भी यूज करो. तो कह रहा है अगर सेल को ऐसा मीडियम सराउंड कर रहा है जो इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, सेल से हाई है, ज्यादा डाइल्यूट है, ये बाहर का जो एनवायरमेंट है इसका, जो बाहर का मीडियम वो ज्यादा पतला है जो मटेरियल सेल के अंदर है उससे, तो क्या होगा? वो अंदर चला जाएगा. ठीक है, क्या कहते हैं आगे? व्हिच मींस दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट इन कंपैरिजन टू द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल. इन दिस सिचुएशन द सेल विल गेन वाटर. और जब पानी अंदर चला जाएगा बच्चे सेल के अंदर, तो सेल तो फूल के कुप्पा हो जाएगा, है ना, सेल फूल जाएगा. The cell will swell up. The cell will gain water by the process osmosis. ठीक है, osmosis के process के through cell पानी अंदर चला जाएगा. This type of solution is known as hypotonic solution. ठीक है, hypotonic, जब cell फूल जाता है we call it कि ये solution कैसा है. अगर उस solution में हमारा cell फूल गया है तो हम उस solution को क्या कहेंगे? Hypotonic solution. ठीक है, एक बार ध्यान से समझो. सेल है, सेल को शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखा है. ठीक है, उस सॉल्यूशन में अगर वो सॉल्यूशन ज्यादा पतला है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है, तो वो पानी, वो सॉल्यूशन सेल के अंदर चला जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू. और जब पानी अंदर गया तो क्या होगा? सेल फूल जाएगा. आप ऐसा किशमिश के साथ करके देख सकते हैं. सिचुएशन टू, ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन क्या है बच्चे? अभी तो हमने देखा कि सेल के बाहर का मीडियम पतला था, वो ज्यादा कंसंट्रेट, ज्यादा कैसा था? वो पतला था, डाइल्यूट था, और सेल के अंदर का कंसंट्रेटेड. अब देखते हैं सिचुएशन टू क्या कहती है. सिचुएशन टू सेज इफ द सेल एंड द सराउंडेड मीडियम हैव द सेम वाटर कंसंट्रेशन. अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है, दोनों, या तो अगर ये कंसंट्रेटेड है सेल के अंदर का मीडियम और सेल के बाहर का मीडियम, दिस इज द सेल, और अगर बाहर का मीडियम भी
कैसा है, सेम ही है जैसे सेल के अंदर का सोल्यूशन है, तो सेल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है बच्चा कि सेल के अंदर पानी जाएगा ही नहीं या सेल से पानी बाहर ही नहीं आएगा। देयर विल बी सम एक्सचेंज ऑफ वाटर ना, एक्सचेंज ऑफ सॉल्यूशन, बट कोई भी उस पे ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही सिचुएशन में रहेंगे, जैसे था सेल बिल्कुल वैसे ही रहेगा, सॉल्यूशन भी वैसे ही रहेगा। नाउ सिचुएशन थ्री, पहले सिचुएशन थी बाहर का मीडियम पतला, अब बाहर का मीडियम गाढ़ा, उसको कंसंट्रेट करेंगे। इफ द आउटसाइड मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन, अगर बाहर के मीडियम की आप कंसंट्रेशन कैसे कर दें हम बच्चे, उसको कंसंट्रेटेड कर दे बहुत ज्यादा, दिस इज माई सेल, बाहर का मीडियम बहुत गाढ़ा, इन दिस सिचुएशन द सेल विल लूज वाटर बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस। अब जब ये चीज बहुत गाढ़ी है तो क्या होगा, सेल अपना पानी लूज कर देगा, सेल से पानी निकल के कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ, है ना। हमेशा क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है ऑस्मोसिस, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर किसकी है, इस समय हायर सेल की है, तो सेल से पानी बाहर चला जाएगा और सेल कैसा हो जाएगा, आपका श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, आई होप हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी लगता है कि मैम दिक्कत है कुछ भी, तो एक बार नोट्स से गो थ्रू करें, फिर भी समझ नहीं आए तो जरूर पूछें। ठीक है, तो दिस सॉल्यूशंस आर नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन है बच्चे, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स, हाँ थोड़ा कुछ नया ये है कि एग्जाम्पल्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आप रीजंस का यूज कर सकते हैं इसके लिए, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करें, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटे, अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस इमेज को थोड़ा मैं छोटा कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना पूरी इमेज नहीं देख पा रहे हो यहाँ। ठीक है, आई होप अभी आपको क्लियर होगी। ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है बच्चे, वी यूज बीम ऑफ लाइट। तो ये सेम वही माइक्रोस्कोप है जिसमें बीम ऑफ लाइट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को, उस स्पेसिमन को ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे समझने की कोशिश करना। दीज आर द ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, एक तरह की आई ग्लासेस जहां से आप देखोगे सेल को। ठीक है, यहाँ पे आपको आंखें रखनी होती है। दिस इज द रिवॉल्विंग नोज पीस, ये जो पीस दिख रहा है ये रिवॉल्व हो सकता है। दिस इज द कैरिंग हैंडल। ठीक है, क्या हो सकता है, यहां से हम इस हैंडल को उठा के इसको एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो दिस इज द कैरिंग हैंडल। दिस इज, दीज आर द ऑब्जेक्टिव लेंस जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं, हम उनको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब वो जो स्लाइड आपने बनाई थी इसी वीडियो में जो हमने पहले बनाई थी, किसकी बनाई थी, अनिन पील्स की, अभी अगर उसी स्लाइड को हम बनाएंगे यहाँ पे रखेंगे तो वो तो इधर उधर मूव भी हो सकती है, तो उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे लगे होते हैं स्लाइड होल्डर्स। ठीक है, दो स्लाइड होल्डर होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और उसको अपने अंदर पैक कर लेते हैं। अब ये स्लाइड किस पे रखोगे, एक स्टेज चाहिए, है ना, एक जगह चाहिए, इसको हम बोलते हैं स्टेज। ठीक है, ये हमारा स्टेज है। कंडेंसर अपर्चर लीवर। ठीक है, एक लीवर है जिससे आप इमेज को कंडेंस कर सकते हो, देख सकते हो उस, और यहाँ पे लगा होता है कंडेंसर। दिस इज द लाइट, यहां से लाइट जाएगी और इस स्पेसिमेन पे पड़ेगी, इस लाइट पे पड़ेगी, और वो इमेज और भी ज्यादा अच्छे से आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। नाउ दीज आर सम एडजस्टमेंट, कोर्स एडजस्टमेंट।
ठीक है, जब आपको इतनी डिटेलिंग नहीं देखनी, सिर्फ सेल की बाउंड्रीज देखनी है एंड सिर्फ नो अंदर डिटेल में नहीं जाना, तो यू कैन यूज दी कोर्स एडजस्टमेंट. जब बहुत ज़्यादा एक एक चीज आपको डिफ्रेंशिएट करनी है, यू विल यूज दी फाइन एडजस्टमेंट. ठीक है, नाउ लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल. ये जो लाइट पड़ रही है इसको कम ज़्यादा भी करना है, कभी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है कभी बहुत कम, तो इसको कैसे मेंटेन करोगे? दिस लाइट इंटेंसिटी कंट्रोलर विल हेल्प यू. आई होप दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज क्लियर टू यू. याद रखना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमेशा बीम ऑफ लाइट यूज की जाती है. ठीक है, बीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आपने लाइट डाली, दिस इज द अपर्चर, इस अपर्चर से वो जो लाइट निकलेगी वो एक बीम की फॉर्म में निकलेगी, इसलिए उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं. ठीक है बेटे, आगे चलते हैं. एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ना तो इमेज दी हुई है, ना उसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल में बात की हुई है, पर मैंने यहाँ पे आपके लिए एक इमेज लगाई हुई है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. ठीक है बच्चे, कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, आप पढ़ सकते हैं. यहाँ देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें स्पेसिमेन कहाँ पर है. दिस इज द स्पेसिमेन होल्डर. यहाँ पे हम स्पेसिमेन रखेंगे, हियर. वहाँ पे सबसे नीचे होता है, ध्यान होगा आपको, स्पेसिमेन होल्डर एंड एयरलॉक यहीं पे होता है. अब ऊपर से आ जाते हैं, हाई वोल्टेज दी जाती है इसमें. ठीक है, फर्स्ट कंडेंसर, दिस इज द फर्स्ट कंडेंसर. This is the condenser aperture. Second condenser lens. यहाँ पे मतलब बहुत सारे condenser lens use किए जाते हैं, तो इसलिए हम वी कॉल इट first, second, है ना. So objective lenses are also used. अब सबसे main बात जो हमने की थी कि electron, beam of electron is given. तो वो कहाँ से दी जाती है? इधर से. जैसे वहाँ पे नीचे से क्या दिया जाता था? Beam of light. यहाँ पे electrons की bombardment की जाती है. ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है. ठीक है, सारे वही लेंसेज हैं, वही यू नो अपर्चर हैं, वही ग्लासेस हैं देखने वाले, बट चेंज क्या है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट. ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहाँ पे है. ठीक है, कैमरा भी होता है इसके अंदर जो वो क्लिक कर सकें. तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करती है? उस इमेज को और ज़्यादा क्लियर दिखाती है. ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. आगे बढ़ते हैं बेटे. नाउ क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? जिस सेल के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा ना, जिस सेल को ऑब्जर्व करने वाले थे हम, उस सेल का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि वो कैसा कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, सो दिस इज द सेल. ये क्या है बच्चे? सेल का स्ट्रक्चर है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल एंड ये जो लिखा हुआ है, दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स. तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं. सो हम धीरे धीरे पढ़ लेते हैं. सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, इसको एनर्जी हाउस भी कहते हैं. सर अभी नाम समझ लेंगे. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. माइक्रोट्यूबुल्स, इसलिए क्योंकि ट्यूब जैसी लगती है तो इसलिए ट्यूबुल. सेंट्रोसोम. माइक्रोफिलामेंट, दीज आर द माइक्रोफिलामेंट. लाइसोसोम्स. स्मूथ एंडो, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है स्मूथ और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सेक्रेटरी वेसिकल. ठीक है, यहाँ से सेक्रेट होती हैं चीज़ें. पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल, खाली स्पेस जो होता है सेल के अंदर. साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म तो वही चीज़ है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो तैर रही ये सारी चीज़ें. दिस इज द साइटोप्लाज्म. गॉल्जी वेसिकल, गॉल्जी एपरेटस, क्रोमेटिन. ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, क्रोमेटिन, है ना. ये हमारे कह सकते हैं जेनेटिक मटीरियल. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है हम उसको कहते हैं न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसा एक
ऑर्गेनल है न्यूक्लियस का खुद का, जो कि बहुत इजीली डिफरेंशिएट हो जाता है, वी कॉल इट न्यूक्लियस. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. ठीक है, दीज आर दी सेल ऑर्गेनल्स. आपको सबसे पहले आपका काम क्या है, एक बार नोटबुक उठाएं और जितने भी स्क्रीन पे दिए गए हैं सेल ऑर्गेनल्स, उनको जितने भी है, चाहे कितने बन रहे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 का नाम लिखो और उनके बाद में हम फंक्शंस पढ़ते जाएंगे तो आप लिख लोगे. इससे सेल का स्ट्रक्चर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे. आगे, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स है सेल के, इन्हीं को तो हम सेल ऑर्गेनल्स बोल रहे हैं, है ना. दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स. These cell organelles include both membrane and non-membrane bound organelles. बहुत confusion है कि ये जो cell organelles हैं कैसे होते हैं. तो these cell organelles, इस cell organelles में वो organelle भी है जिसमें जिसकी cell के अंदर, जिसके organelles के अंदर membrane bound है और जिनकी cell के अंदर membrane नहीं है. So दोनों ही किसके अंदर आएंगे, cell organelle के अंदर. If we observe a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell. ठीक है, I told you, plasma membrane or cell membrane, nucleus and cytoplasm. Now we are going to discuss the very main part of the cell, which is plasma membrane. जो कि क्या है, एक boundary है जो shape देती है cell को. तो हम उसके कुछ features यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है बेटे, ध्यान रखना, आप नोट डाउन भी कर सकते हो. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, व्हिच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी कॉल इट सेल मेम्ब्रेन. इट्स नॉट सेल वॉल, इट्स सेल मेम्ब्रेन. ओके बेटे, माय मिस्टेक यहाँ पे आ गया होगा, इट्स सेल मेम्ब्रेन. जब सेल वॉल तब करते हैं बात, जब हम प्लांट की बात करते हैं. तो अभी यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, यू जस्ट रिमेंबर दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. सो ये है क्या, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. क्या है ये, सेल की सबसे बाहर की जो कवरिंग है उसको ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट. ये क्या करते हैं, दिस इज सेल. ओके, सेल के जो बाहर के कंटेंट है उससे सेल को अलग रखती है. ठीक है, कैसे करेगी अलग, इसने इसको बांध के रखा हुआ है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने. अगर ये ना होती तो बाहर के कंटेंट अंदर एंट्री कर जाते. तो इस ये क्या करती है, इट सेपरेट्स द कंटेंट. ओके, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इट मींस ये सिलेक्शन करती है कि किसको अंदर आने देना है और किसको बाहर जाने देना है. दिस इज व्हाई वी कॉल इट सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. It allows and prevents the entry and the exit of some materials. ये क्या करती है, allow भी करती है और बचाती भी है कुछ materials की entry अपने cell के अंदर. okay? जिसको ये चाहेगी उसको अंदर करेगी और जिसको चाहेगी बाहर. तो जो जरूरत की चीजें हैं ये plasma membrane के through अंदर आ जाएंगी और जो चीजें cell को नहीं चाहिए वो plasma membrane के through ही बाहर चली जाएंगी. okay? अब आगे आगे देखते हैं बेटे, इसका क्या काम है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सो जब हम गैसेस की बात करेंगे वी विल कॉल इट डिफ्यूजन, और जब वाटर की बात होगी वी विल यूज द टर्म ऑस्मोसिस. ठीक है, सो ये क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है सेल के अंदर या बाहर जाने का, तो उसको वी कॉल इट डिफ्यूजन. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, या ऑक्सीजन अंदर आ रही है या उस किसके रूप में बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन. ये होता कैसे है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, मतलब डाइल्यूट टू कंसेंट्रेटेड. आगे बढ़ते हैं बेटे, इस मेम्ब्रेन का और क्या काम है. वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो ओबेज द सेम थिंग. ठीक है, अभी हमने बात की थी गैसेस की,
ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेम ही चीज ऑब्जर्व करते हैं, बट उस प्रोसेस को वी कॉल इट ऑस्मोसिस। हम क्या कहते हैं उसको? ऑस्मोसिस। तो जब वाटर का एक्सचेंज होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर, वो किसके प्रोसेस के थ्रू होता है? ऑस्मोसिस। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। तो पानी के अंदर हमने कितना सब्सटेंस डिजॉल्व किया है, कितनी शुगर डाली है, कितना सॉल्ट डाला है, क्या कोई भी हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो मूवमेंट है किसके ऊपर डिपेंड करती है? द सब्सटेंस व्हिच वी विल ऐड इन द वाटर। ठीक है, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, इट सेज हाउ डज दिस मूवमेंट टेक प्लेस इन द सेल। हाउ डज दिस मूवमेंट टेक प्लेस इन द सेल, कैसे लेती है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो आंसर विल बी थ्रू सेल मेम्ब्रेन, राइट? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो ये सारा एक्सचेंज हो रहा है। और कैसे? अगर आप गैसेस की बातें लिखोगे तो आप डिफ्यूजन का प्रोसेस लिखोगे, और अगर आप लिक्विड की बात करोगे सो विल गो विद द ऑस्मोसिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल एलन जूनियर विंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ढेर सारे कमेंट्स, अच्छे बुरे भी, अगर आपको कुछ भी कमियां लगती हैं सो जस्ट टेल मी, सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माय लेक्चर्स विद यू। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू वेरी मच।